हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी यू एंड हियर आई एम डॉली। सो गाइस, जो ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम होती है वो हमें बहुत ज़्यादा होती है ये, और बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें। सो आज मैं इसी पे अपना जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जो ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व करें। तो गाइस, आज मेरे पास में ये टोनी मॉली का जो है ब्लैकहेड्स रिमूवल स्ट्रिप्स है। सो इन्हीं स्ट्रिप्स का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनको अप्लाई करके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितना वर्क करती है ये और कितने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देंगे। सो गाइस, दिस टाइप के प्रोडक्ट्स मस्ट नीडेड होते हैं। सो ये देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। सो अगर आप इसे परचेस करना चाह रहे हैं तो परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइस, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू माय वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड माय फेस इज न्यू टू यू, सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन गिवन बिलो। एंड इफ यू लाइक माय टुडेज वीडियो एंड फाउंड माय वीडियोस हेल्पफुल फॉर यू, सो गाइस प्लीज गिव अ बिग थम्स अप। सो गाइस, प्लीज कीप अस मोटिवेटेड बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। सो गाइस, प्लीज 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 कीप अस मोटिवेटेड। जस्ट मूव ऑन टू टुडेज रिव्यू। ये है टोनी मॉली का जो है एग पोर जो है नोज स्ट्रिप्स हैं, और ये जो नोज स्ट्रिप्स हैं ये कंटेन्स करता है चारकोल पाउडर। एंड ये जो नोज स्ट्रिप्स है इसको मैंने नायका पे देखा था और वहीं से इसे परचेस किया है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर अभी कितने स्ट्रिप्स आते हैं। सो इसके अंदर 7 स्ट्रिप्स आए हैं, ये इस तरीके से ये 7 स्ट्रिप्स इसके अंदर आए हैं। और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको मैं अभी अप्लाई करके देखूंगी कि क्या रियली ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अपने ब्लैक हेड्स वगैरह भी रिमूव करें तो हमारी जो स्किन है वो और ज़्यादा हाइड्रेटेड होती है और ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ करती है। सो गाइस, जो अपनी स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हमेशा हमको रिमूव करते रहना चाहिए। उससे जो आपके एसेंस की प्रॉब्लम है और जो भी जो पोर जो है वो हमारे क्लॉटेड हो जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो नाउ मूव ऑन टू द रिव्यू। सो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये चारकोल पाउडर कंटेन करती हैंगी। एंड दिस नोज पैक टेक केयर फॉर द पोर इम्प्योरिटीज एंड ब्लैक हेड क्लीन। सो ये आपकी जो इम्प्योरिटीज है और जो ब्लैक हेड्स है दोनों को क्लीन करती हैं। इसको अप्लाई करके बताऊंगी कि ये इसको आपको अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद ये कितना वर्क करती है और स्ट्रिप्स हैं इनको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम हमारे जो नोज है उसको हमको थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये हमारा जो मॉइस्चर है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले सारा। सो इस नोज को अभी मैंने अच्छे से वेट कर लिया है। नोज को वेट करने के बाद इसको ड्राई करना आएगा थोड़ा सा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई इट को ओपन करूंगी। सो सो हियर इज द स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप मैंने निकाली है। एंड अब मैं इस स्ट्रिप को अप्लाई करूंगी अपनी नोज पे कुछ इस तरीके से लेकर के। हमें ये जो स्ट्रिप है इसको ऐसे रिमूव करना है एंड सिंपली हमें इसे 10-15 मिनट्स के लिए लीव करना है और फिर रिमूव करना है। सो 10-15 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट और अब मैं इन स्ट्रिप्स को रिमूव करूंगी। सो इन आज का गिव अवे कोड है 37। सो हियर इज द रिजल्ट। शायद कैमरे में दिखे या ना दिखे, आई डोंट थिंक सो कि कैमरे में प्रॉपरली दिख पा रहा है, बट ब्लैक हेड्स तो रिमूव हुए हैं पर बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं हुए हैं ये, एंड थोड़े बहुत ही रिमूव हुए हैं। और लिटरली मुझे नहीं लगा कि इसने बहुत अच्छी तरीके से रिमूव किए हैं, क्योंकि जब मैंने स्ट्रिप्स लगाई तो मुझे लग रहा था कि ये जो हिस्से पे जो इसकी जो पकड़ होनी चाहिए, जो चिपक होनी चाहिए, स्टिकनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्टिक ही नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जितना अच्छे से बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे लग जाना चाहिए था ना, वैसा लगा नहीं है ये। एंड और होप्स हो कि इसमें जो ब्लैक हेड्स है वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिमूव किए हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा कि मैं नेक्स्ट टाइम भी इसको परचेस करूँगी। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम इसे परचेस नहीं करना चाहूँगी।
सो गाइज ये मेरा रिव्यू था। जाने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मैं अपने चैनल पे सारे ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँगी। सो गाइज स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड बी हैप्पी बी हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।